Hello and welcome back to the civil engineering with MSA, improve your knowledge for your bright future. Design of steel structure पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में. हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक सवाल जो कि क्या था, एनालिसिस ऑफ बीम से रिलेटेड था. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक डिजाइन का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बीम में जो है सारे के सारे प्रोटोटाइप के ही सवाल बनते हैं. मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में क्या उलझा सकेगा वो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्टील का ग्रेड थोड़ा सा उलझा सकता है, और आज के क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि और क्या उलझा सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे करके. तो आइए बिना टाइम को गवाए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की तरफ. और क्वेश्चन से बात करने से पहले आपसे बात कर लूं कि आप लोग जो है वो क्या कीजिए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कीजिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़े, ताकि मुझे भी मजा आए. क्यों? क्योंकि न्यूटन ने एक बात कही थी और वो बात बहुत मजे की थी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो आप लोगों की तरफ से जो एक्शन आएगा उससे रिएक्शन और अच्छा होगा. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड स्टील का जॉइस्ट है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, जॉइस्ट भी तो बीमी है, और 4 मीटर इफेक्टिव स्पान, देखिए आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि स्पान कैसा है, इफेक्टिव है, और कितना है, 4 मीटर का है, इज लेटरली सपोर्टेड. हम लोगों को यही पढ़ना है, लेटरली सपोर्टेड बीम, चलिए बहुत अच्छी बात है, यह भी बता दिया. थ्रू आउट इट कैरी अ टोटल यूनिफॉर्मली, ध्यान से पढ़िएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन. यहां पर आकर के थोड़े से कान खड़े हुए कि 40 किलो न्यूटन भी कह रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी कह रहा है, ठीक है, और उसके साथ में कह रहा है कि आपको डिजाइन करना है और स्टील का ग्रेड दे दिया. देखिए यहां पर मजे की बात क्या है, मजे की बात थोड़ा यहां पर ध्यान देने की बात है कि देखिए जब भी आपसे कोई कहता है यूडीएल की बात, तो वो आपको यूनिट क्या देता है, किलो न्यूटन पर मीटर देता है ना जी, लेकिन यहां पर देखिए क्या है, डायरेक्टली किलो न्यूटन है. इसका मतलब क्या है कि इसने किलो न्यूटन पर मीटर को जरूर किसी मीटर से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो ये मीटर के साथ मीटर कैंसिल होकर के क्या बचा, किलो न्यूटन बचा. इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये W की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ W नहीं है, W into L है, तभी तो W मान लीजिए इसके साथ कुछ भी होगा, X मान लीजिए, X है ना, X लोड है, X किलो न्यूटन पर मीटर होगा, और इसको अगर मैं 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये इससे कैंसिल होगा. अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, X किलो न्यूटन ना, तो यही तो इसने काम किया ना, देखिए 40 किलो न्यूटन. तो देखिए इस तरह से ही क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत उलझा सकता है, लेकिन उलझना नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल, सवाल आपको खुद ही जवाब देगा. तो इसको बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, और आप लोग देखिएगा स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग चलेंगे और बहुत प्यार से ये सॉल्व हो जाएगा. तो इसके लिए मैं क्या कर लूं, खुद को गायब. अब देखिए गायब करने के बाद जो है हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, जो जो हमको दिया हुआ है पहले वो लिख लूं मैं तो बात समझ में आ जाएगी. सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिख ले, देखिए आपको स्टील दिया होगा ना, आपको स्टील दिया हुआ, कितना दिया हुआ, E 250 दिया हुआ है ना, E 250 के लिए FFY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 मेगा पास्कल. अच्छा FFY लिखो या फिर क्या लिख दूं मैं, FFYYW बोलिएगा, लिखा हुआ देखेंगे आप, ये भी कितना होगा, 250 मेगा पास्कल, चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है. उसके बाद देखिए गामा ऑफ एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, कितना होगा, 1.50, ठीक है. क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, अभी बात करते हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि जो हमको लोड दे रखा है ना, ये तो हम लोगों को क्या लोड दे रखा है, बस नॉर्मल लोड ही दे रखा है, या लाइक सर्विस लोड इसने दे रखा है, इसको हम लोगों को फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये काम अभी कर लेना हम लोग तो अच्छा हो जाएगा, डिजाइन और फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड. देखिए डिजाइन या फैक्टर्ड लोड बनाना है हम लोगों को तो बहुत आसान सी चीज है कि 1.5 से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को. तो ये देखिए अब हमारे पास आ गया ना 60 किलो न्यूटन, क्या निकल करके आ गया, ये फैक्टर्ड लोड, इसीलिए तो गामा ऑफ एफ की वैल्यू पहले हम लोग ले चुके हैं. देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बहुत ही शानदार काम करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं. देखिए पहले लिखता हूं और फिर बात करते हैं, अभी तो बात वैसे किया था हम लोगों ने इसमें, है ना, क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी एम लिख दूं, चलिए बहुत बढ़िया. इसको मैं एम से शो करता हूँ ना, स्मॉल एम, कैपिटल एम से. देखिए ये क्या फॉर्मूला क्या होता है, आपके लिए यूडीएल लग रहा है सिंपली सपोर्टेड में, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था जब इसकी थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, WL² / 8. अच्छा इसी बात को मैं अगर ऐसे लिखूं WL × L / 8 तो कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये WL जो हम लोगों को 40 किलो न्यूटन दे रखा है ना, ये तो WL की वैल्यू दे रखी है. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम लोगों ने फैक्टर्ड में कन्वर्ट भी किया था, तो क्या आया 60 किलो न्यूटन. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 60 इंटू लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है ना, फैक्ट जो क्या कहते हैं, इफेक्टिव
इफेक्टिव स्पान दिया हुआ है तो 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, बस इतना ही साइज में जो है थोड़ा सा घुमाने लायक जान था, किलो न्यूटन मीटर। अच्छा इसको जो है वो न्यूटन एमएम में भी कन्वर्ट करके रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा काम देता है, 30 × 10⁶ न्यूटन एमएम। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैक्सिमम शियर फोर्स भी निकालते हैं हम लोग, ये भी काम कर ले, ये भी बहुत मजेदार सा काम है। क्या है जी हमारे पास, मैक्सिमम शियर फोर्स, और मैक्सिमम शियर फोर्स को आप भी से लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए कितना होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसका दिया जाता है WL/2 है ना, और कैंटिलीवर के केस में क्या होगा, सिर्फ WL हो जाता है, तो ध्यान होगा मेरे ख्याल से WL/2 है। देखिए WL की तो वैल्यू है ना हमारे पास 60, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 / 2 = 30 किलो न्यूटन। देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं ना कि न्यूटन एमएम में न्यूटन में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए आप तो ज्यादा कोई झमेला नहीं, 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ती है बहुत जगह, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही इसको अगर कन्वर्ट करके रखते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और देखिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चूज करना स्टार्ट करेंगे, क्या कहां से मैं लिखता हूं। देखिए सवाल जो है ना उसको इस तरह से सॉल्व कीजिए कि जवाब से सवाल सोचिए, आपको निकालना फाइनली क्या है, आपको निकालना तो है भाई इसका बेंडिंग मोमेंट। देखिए चेक क्या क्या करना पड़ेगा आपको, डिजाइन में बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा, शेयर फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट से, फिर देखते हैं सेक्शन अपने आप कुछ पता चलेगा। देखिए आप IS कोड में, मैं एक बात करता हूं कि IS 800 में कौन सा 2007 वाला जो है, इसके क्लॉज नंबर में जरा जाकर के देखिए आप, क्लॉज नंबर 8.2.1.2 जो कि पेज नंबर 53 में है, वहां पर एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है, देखिए MD = β(B)ZP(FY)/γ(M0)। देखिए यहां पर अगर मैं चाहूं तो ZP रिक्वायर्ड निकाल सकता हूं ना, सेक्शन प्लास्टिक मॉडुलस रिक्वायर्ड निकाल सकता हूं, और इस सेक्शन प्लास्टिक मॉडुलस रिक्वायर्ड के हिसाब से हम लोग सेक्शन को चूज कर सकते हैं। फॉर द कैलकुलेशन हम लोग मान लेते हैं अभी कि बीटा बी की वैल्यू जो है वो 1 है। देखिए तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा काम, कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा, तो ये काम कर लेते हैं हम लोग, ZP रिक्वायर्ड हम लोग निकाल लेते हैं, ZP required = M। ठीक है, MD को चेंज कर दिया, M लिख दिया, M/FY, और यहां पर क्या हो जाएगा, γ(M0) हो जाएगा। देखिए इसको जरा चेक करते हैं हम लोग कितना आएगा इसका वैल्यू, जो हमारे पास में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई है 30 × 10⁻³। देखिए अभी काम में आ गया ना, इसलिए मैंने बोला था कि इसको छोटे यूनिट में भी कन्वर्ट करके रखिए, 1.10 γ(M0) की वैल्यू और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, FFY 250 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास निकल करके क्या चीज आ रही है, 132 × 10³ mm का क्यूब। ठीक है, 132 × 10³ mm³ ये हम लोगों को मिलकर के आया, क्या है ये हम लोगों ने निकाला, ZPZ required। तो ये क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग अब जो है वो सेक्शन को चूज करेंगे, और सेक्शन मैं चूज करूंगा, सेक्शन आपको भी चूज करना है, कहां से करना है आपको, IS कोड से करना है ना, IS 800 2007 में जाइएगा, आपको जाना पड़ेगा कहां पर, एनेक्सर H में, देखिएगा लास्ट में है ना, उसके मैं जाता हूं पेज नंबर 138 में है, मैं पेज नंबर 139 में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सेक्शन वहीं पर मिलेगा। देखिए एक सेक्शन है जो मुझे दिख रहा है, वो है ISLB। आप भी कोशिश करिएगा डिजाइन में आप ISLB लीजिए, 200 @ 194.2 न्यूटन पर मीटर। देखिए अब इसको कैसे केजी में कन्वर्ट करना है, लास्ट क्लास में मैंने बताया, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए PZ की वैल्यू क्या लिख रहा है, यहां पर ZPZ की वैल्यू लिख रहा है 184.34 × 10³ mm³। ठीक है, अब देखिए 184.34 और आपने कितना निकाला है 132, तो 132 से ज्यादा है, यानी ज्यादा वाला को ही लेना है, प्रीफर करना है, और कोशिश करना है कि हमारा सेक्शन जो भी हम चूज करें वो ISLB हो, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो जहां से हम लोगों ने ZPZ लिख लिया, वो तो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड से ज्यादा हम लोग दिए हैं, प्रोवाइडेड है ये। अच्छा ZEZ भी तो निकाल ले, यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए उसी टेबल पर, लास्ट में ना सारी चीजें लिखी हुई है, जहां पर 169.70 × 10³ mm³। अगर आपको चाहिए तो और भी जो सारे स्पेसिफिकेशन है, यानी आपको अगर H लेना है, BF लेना है, TF लेना है, TW लेना है, तो ये अगर आप चाहे तो वहीं से ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली स्टील टेबल या फिर SP6 में जा सकते हैं। ज्यादा अच्छा होता है कि आप अपने स्टील टेबल पर चले जाइए, क्योंकि स्टील टेबल पर जाने से एक फायदा होगा आपको, मैं SP6 यूज करता हूं, आप लोग स्टील टेबल यूज कीजिएगा।
पार्ट वन में देखिए मैं जाता हूँ पेज नंबर टू में, मेरे काम की चीज सब मिल जाएगी। क्योंकि देखिए यहां से लेने पर फायदा क्या होगा कि यहां पर आपको रूट रेडियस और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को ले लेते हैं। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 mm दी हुई है। बी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोगों को 100 mm दिया हुआ है। टी एफ देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है, टी एफ की वैल्यू दी हुई है 7.3 mm दिया हुआ है। उसके बाद और क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, टीडब्ल्यू दिया 5.4 mm दिया हुआ है। और उसके बाद इसको पूरा ही लिख देते हैं क्योंकि दिक्कत होता है ना, रेडियस एट रूट, जिसको आप R1, अब तो याद हो गया होगा ना, ये बहुत काम की चीज है। R1 कितना दिया, ये क्यों यूज हो, क्योंकि I सेक्शन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन में यूज कर रहे थे ना D निकालने के लिए, रूट रेडियस तो चाहिए होगा 9.5 mm। और उसके बाद हम ले लेते हैं x एक्सिस के अलोंग, जो कि आई जेड जेड लिखा हुआ है, यानी ये x एक्स है ना, ये आप लोगों को बताया था मैंने, x और z का झमेला पहले बता चुका हूँ क्या है, क्योंकि चेंज हो जाता है ना, आई एस कोड और एस पी सिक्स दोनों में अलग अलग लिया हुआ है, एक ही एक्सिस का दो नाम लिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1696.6 × 10⁴ mm की पावर 4, यही तो लेना था हम लोगों को यहां से, ये सारी चीजें हम लोगों ने ले ली, इसको जरा सा ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, और नेक्स्ट काम अब यहां से स्टार्ट होगा कि आपने सेक्शन तो चूज कर लिया था, अब आपको काम क्या करना है, आपने जो जो काम एनालिसिस में किया था अभी लास्ट क्लास में, वही सारा काम इसमें हम लोगों को क्या करना है, दोहरा देना है, ठीक है। तो किस तरह से करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, जरा समझ लेंगे तो चीजें क्या होगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी अपने लिए। देखिए इतना कुछ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहीं पर क्या करें, निकाल लेते हैं ना, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो है ही। डी क्या बता रहा हूं मैं, डी ये बता रहा हूं कि देखिए ये आपका कोई अगर आई सेक्शन है, रोल्ड आई सेक्शन है ना, कैसा है जी, रोल्ड आई सेक्शन है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन चलिए समझने लायक है ना, उतना बर्दाश्त कर लिया जाएगा। यहां पर क्या है, मैंने बताया था आपको बिल्कुल, थोड़ा सा कर्व होता है ना, ये इस तरह से कर्व होता है, क्योंकि आपको जो यूज करना है टेबल नंबर टू, वहां पर क्या है आपको कि इसकी जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए इसको यहीं पर निकाल लेना बहुत अच्छी बात होगी। तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग डी नाम देते हैं, ठीक है, ये तो आपका फ्लेंज का विड्थ है, बी एफ है, और ये आपका क्या है, रूट रेडियस है आर वन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे बात हुई थी कि बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज है ना, TF है ना, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज है, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये है आपके पास BF, और यहां से लेकर के इसका आधा कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी B इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली पता है आपको BF डिवाइडेड बाय 2 होगा। और D के लिए हम लोग क्या करते हैं, D के लिए हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं, और फार्मूला क्या है, ये तो बस क्या है, सिंपल सी चीज है जो हम लोगों ने अभी अभी समझी है। देखिए डायग्राम में देखिए जो मैं लिख रहा हूं, उसे आप बिल्कुल जो है वो क्या कहिएगा, इस बात से आप राजी हो जाइएगा कि एच माइनस टू इंटू टी एफ प्लस आर वन, यही तो है ना, यही तो हम लोग करने कर रहे थे। अब देखिए यहां से आगे क्या काम हो जाएगा, ये आपने किया, आप इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सारे वैल्यूज को उठाता हूं, पटक देता हूं, एच की वैल्यू कितने हमारे पास, 200 माइनस टू इंटू टी एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा 7.3 प्लस 9.5, आर वन की वैल्यू जो दी हुई है इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 166.4 mm। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टेबल नंबर टू आपको यूज करना है ना। बी देखिए बी निकाल लेते हैं ना, बी क्या हो जाएगा आपका, बी एफ बाई टू हो जाएगा, और बी एफ कितना है, 100 है ना, 100 डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, 50 mm। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा टेबल नंबर टू में, जो कि पेज नंबर 18 में है। कहां पर जाइएगा, आईएस 800 2007। ये क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि आईएस कोड में जाना है कि एसपी सिक्स में जाना है। देखिए यहां पर जब आप जाइएगा तो आपको कुछ बातें मिल जाएंगी, क्या क्या बातें मिलेंगी हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल ले, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है, आप लोगों को पता ही होगा क्या, 250 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई, यहाँ एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, 250 है, तो रख दीजिए इसको, 250 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कोई मसला ही नहीं है। अब चेक कर लेते हैं उस टेबल से हम लोग क्या चेक करते हैं जी, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग फ्लेंज के बारे में देख लेते हैं क्या लिखता है, आउटस्टैंड फ्लेंज ऑफ फ्लेंज,
आउटस्टेंज ऑफ फ्लेंज में आपको क्या कहेगा, आपको दिया हुआ है बी डिवाइडेड बाई टी एफ चेक करना है। तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं, बी कितना है हमारे पास 50 है, अभी अभी तो हम लोगों ने निकाला था, और टी एफ कितना है 7.3 है, इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा 6.849। ये जो है वो कम मिल गया, किससे कम मिल गया आपको 9.4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कम मिल गया। चलिए एक चीज हो गया, अब थोड़ा वेव के लिए भी चेक कर ले क्योंकि हम लोगों ने काम तो कर ही रखा है, तो वेव के लिए भी देख लेते हैं। अगर वेव के लिए भी मिल जाएगा तो आराम से ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक सेक्शन हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू। अच्छा सेक्शन चेंज होगा तो क्या करना है, कोड में यहीं पर तो सारी बातें लिखी हुई है ना, जो हम लोग यूज कर रहे हैं एमडी निकालने के लिए, वहां पर सारी बातें लिखी हुई है। देखिए क्या है यहां पर 166.4 डिवाइडेड बाई 5.4, अगर इतना है तो इसको आप सॉल्व कीजिए 30.81 जो कि कम आएगा आपको किससे, 84 एप्सिलॉन से। इसका मतलब क्या है, हेंस द सेक्शन, सेक्शन कैसा है जी आपका, सेक्शन इज प्लास्टिक। चलिए ये भी काम हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग चेक कर लेते हैं जरा सा कि शियर बकलिंग होगा कि नहीं। ठीक है, शियर बकलिंग को हम लोग चेक कर लेते हैं, तो शियर बकलिंग को भी चेक कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम। देखिए अब हम लोग काम करते हैं कि सिंस डी डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी, 13.81 आई है, इज लेस देन। देखिए आपको एग्जाम इस तरह से स्टेटमेंट लिखना होगा, इसीलिए मेरी मजबूरी रहती है, मैं भी लिखता हूं 67 एप्सिलॉन। अगर ये इससे कम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आपको शियर बकलिंग चेक ऑफ वेव, किसका, वेव का, विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये पेज नंबर देखिए 53 में जो मैंने आपको बताया था ना, वहां पर ये बात को लिखा गया है। ठीक है, ऊपर में ही। तो अगर ये काम भी हो गया हमारा, देखिए ये भी हम लोगों ने सारे वही स्टेप चल रहे हैं ना, हम लोग क्या है कि अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसी के लगभग सारे स्टेप चल रहे हैं। अब देखिए जरा हम लोगों को यूज क्या करना है, हम लोगों को यूज करना है यहां पर अब आईएस 800 2007 का क्लॉज, जो हम लोगों को यूज करना है क्लॉज 8.2.1.2 यूज करना है, जो कि आपका पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको चेक करना होगा कि ये जो है वो केस किसका है, लो शियर का है या फिर हाई शियर का है। ठीक है, लो शियर है या फिर हाई शियर है, तो लो शियर या हाई शियर है यानी कंडीशन आपको क्या चेक करना होगा कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, आपने शियर फोर्स तो निकाल रखा है, अब ये क्या है आपके पास, ये वीडी जो है यानी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करना होगा। और ये डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आपको कहां से मिलेगा ये हम लोग अब बात कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से आप सीरीज बना करके पढ़िएगा ना, आपको स्टेप भी याद हो जाएंगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा वीडी। ठीक है, ये वीडी 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 हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये कहां से करेंगे हम लोग, देखिए ये भी कोड से करेंगे। देखिए कोई मेहनत ही नहीं कर रही है ना, डीएसएस में ये फायदा रहता है 8.4 जो कि पेज नंबर आपके 59 में दिया हुआ है। ठीक है, इस क्लॉज में देखिए आपको क्या लिखा है, मैं सारी चीजों को मिला करके एक ही बार काम करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वीडी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अंडर रूट 3 इंटू ए वी और कितना है गामा ऑफ एम नॉट है। ठीक है जी, ये है जहां पर AV क्या हो जाएगा आपका शियर एरिया हो जाएगा। और AV आपको कहां से लेना है, देखिए उसी पेज पर लिखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट कोशिश करूंगा लगा देने के लिए, लेकिन आप आईएस कोड जरूर खोलिएगा क्योंकि आईएस कोड अगर आप नहीं देखते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 8.4.1.1 यानी पेज नंबर आप देखिएगा 59 में ही ये चीज दी हुई है। क्या दी हुई है जी, यहीं पर लिखता हूं मैं कि हॉट रोल्ड जो है, देखिए पहला ही वाला हॉट रोल्ड, ठीक है, जिसके मेजर एक्सिस पर बात कर रहा है, मेजर एक्सिस बेंडिंग पर बात कर रहा है। क्या कह रहा है आपको, एवी क्या लेना होगा, एवी इज इक्वल टू यहां फ्रेश में लिख देता हूं एच टी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं फॉर्मूले को अगर और ढंग से लिखूं एवी के साथ तो क्या हो जाएगा, वीडी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई गामा ऑफ एम नॉट अंडर रूट 3 और एवी को अभी अभी हम लोगों ने क्या बताया, ये है एच टी डब्ल्यू, एच हमको पता ही है टी डब्ल्यू हमको पता है, तो वैल्यूज को खाली उठा करके पटकना है ना जी, और तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। एफ ऑफ वाई हमको पता है कितना है 250 डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट की वैल्यू आपको पता है 1.10 है और अंडर रूट 3 तो खैर नोन ही है ना। अच्छा एच कितना हमको दिया हुआ है, डेप्थ जो है वो 200 है और टी डब्ल्यू हम लोगों को पता है कितना है, ये 5.5
फोर है, सारा कुछ दिया हुआ है, इसको उठा करके सॉल्व कर देने का था। तो हम लोगों ने सॉल्व किया, दिया आया 141713.24 न्यूटन। लेकिन बात इससे बनेगी नहीं, आप वीडियो बोलिएगा कि आप किलो न्यूटन में बताइए, तो मैं क्या करूंगा कि थ्री डिजिट तक जो है वो क्या करूंगा, डेसिमल को खिसका दूंगा। तो ये हो जाएगा 0.71 किलो न्यूटन। ठीक है जी, ये हमारे पास निकल करके आ गया। अब ये निकल करके आ गया तो क्या देखना होगा यहां से आपको, देखिए काम भी आपका हो गया ना कि V की वैल्यू कितनी है आपके पास, V इज इक्वल टू है आपके पास 30, यानी शेयर का देखिए चेक भी लग जाता है हाथों हाथ, यानी पहले शेयर फिर बेंडिंग आपको लगाना है। V की वैल्यू कितनी आई है 30 किलो न्यूटन, और आपने VD अभी जो है फाइंड आउट किया, ये कितना आया 141.71 किलो न्यूटन। ये क्या है, शियर स्ट्रेंथ है, और मैक्सिमम शियर फोर्स आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं उस सेक्शन में 30 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ, सेक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा है जो कि उस पर लोड अप्लाई होने वाला है या फिर हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको और ध्यान से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, वीडी बड़ा है भी से। इसका मतलब क्या है कि ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेक्शन जो है बहुत बढ़िया हमारा, कि जितना सेक्शन पर लोड दिया जा रहा है, ये क्या है भी, भी जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया शियर फोर्स, ठीक है, WL बाई टू करके, वो जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि इस सेक्शन पर कितना शियर फोर्स है, मैक्सिमम शियर फोर्स। और VD क्या बता रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन द अप्लाइड शियर फोर्स। इसका मतलब क्या है, सेक्शन हमारा सेफ है। ठीक है, ये भी एक काम हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हाई शियर का केस है या लो शियर का केस है, चेक फॉर हाई या फिर लो शियर आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करना है, देखिए वहीं पर लिखा हुआ है क्लोज में, आपको मिल जाएगा ना क्लोज नंबर 8.2.1.2 में ही मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ कि आपको 0.6 वीडी को देख लेना है। तो देखिए 0.6 वीडी कितना आया हमारे पास, 141.713 आया, यही आया ना, पूरा ही ले लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, 85.02 किलो न्यूटन आएगा। और ये वैल्यू आपको देख के क्या लग रहा है जी, कि वी जो है वो हमारा कम है 0.6 ऑफ वीडी से। ठीक है, 0.6 ऑफ वीडी से, वी हमारा कितना है 30 किलो न्यूटन, और 0.6 ऑफ वीडी कितना आ गया हमारे पास 85.02 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा केस क्या है, लो शियर का। वैसे यहां सेफ हो जाता है तो लो शियर का केस ज्यादातर हम लोगों को मिल जाता है, फिर भी द केस ऑफ लो शियर, लो शियर जैसे ही होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ वी कैन यूज, वी कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, 28.2.1.2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ एमडी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देखिए इसी के नीचे लिखा हुआ था कि आपको दूसरे क्लॉज का सहायता लेना पड़ता। ठीक है, ये आपको कहां पर मिल रहा था, पेज नंबर 53 में। देखिए पेज नंबर 53 में आराम से मैं बता दूं आपको फॉर्मूला क्या है, एमडी इज इक्वल टू है बीटा बी जेड पी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम नॉट। देखिए क्वेश्चन दम तोड़ चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, सारा कुछ हम लोगों ने बता ही दिया। देखिए बीटा बी की वैल्यू क्या लेंगे, बीटा बी इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन जो है वो कैसा निकल गया, प्लास्टिक, चेक किया था ना टेबल नंबर 2 से आपने। तो बस अब सारे वैल्यूज को बस रखना है और काम हमारा हो जाएगा। देखिए बीटा बी की वैल्यू कितनी 1। अब मैं आपसे पूछते चलूं जेड पी की वैल्यू आप लोगों ने कितनी निकाली थी, तो आप कहिएगा 184.34 × 10³। बस वही करना है ना। अच्छा एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, 250 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम नॉट कितना है, 1.10 है आपके पास। अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा तो एक बड़ी सी पहले वैल्यू लेकर के आते हैं, है ना, क्या आएगा 418954 फिर से 54.55 न्यूटन mm। लेकिन आप कहिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो इसको मैं किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं सीधा सीधी गुना कर दूंगा 10⁻⁶ से। 10⁻⁶ मतलब कि 6 डिजिट डेसिमल को जरा सा इधर घसका दिया जाए, खिसका देने पर क्या आएगा 41.89 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू, एमडी की वैल्यू। लेकिन कोड यहीं पर नहीं मानता है, कोड कहता है कि आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो किसके, 1.2 ZEZ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम नॉट के। ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा ये वैल्यूज को।
तो 1.2 आपको पता है, जेड इजेड आपको पता है ना कितना है, जेड इजेड तो आपने निकाल रखा है 160, वही आईएस कोड से लिया था ना आपने, 169.7 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 250 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम नॉट कितना है 1.10। इसको मैं डायरेक्टली 10 टू माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देता था कि किलो न्यूटन मीटर में मैंने झमेला खत्म हो बिल्कुल। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 46.28 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये तो बिल्कुल सही हो गया हमारा, ये काम बिल्कुल सही हो गया, कम ही है ना, क्योंकि जो पहले आपकी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, वो वैल्यू आई थी देखिए जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पढ़ने के दरमियान आदमी भूल जाता है। पहले वैल्यू देखिए एमडी की कितनी आई थी, 41.89 आई थी, और अभी हम लोगों ने जब निकाला तो वैल्यू कितनी आ रही, 46.28 आ रही, तो 41 वाली जो वैल्यू है यानी 41.89 वो तो कम है ना 46 से, इसका मतलब मामला यहां पर बिल्कुल सेट है, बिल्कुल बढ़िया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए डिजाइन, अच्छा ये वैल्यू क्यों लिया था, ये फॉर्मूला कोड में दो चीजें लिखी हुई ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, इसीलिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसीलिए कैंटिलीवर होता तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां पर लिख दें अब बिल्कुल आराम से चौड़े से, क्या लिख दें हम लोग कि डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, क्या लिखे भाई, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इज कितना है 41.895 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखिए अगला काम क्या करना होगा हमको, अगला काम हमको करना होगा कि हम लोग डिफ्लेक्शन चेक कर ले, मैंने बताया ना शियर चेक कर लिया आपने और फिर आपने बेंडिंग चेक कर लिया, डिफ्लेक्शन चेक करें और क्रिपलिंग चेक करेंगे, खेल खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट काम यहां पर ला करके करते हैं, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन किस तरह से चेक करेंगे, देखिए हमारे पास जो अलाउेबल या फिर परमिशेबल डिफ्लेक्शन की लिमिट है, परमिशेबल डिफ्लेक्शन वो सिंपली सपोर्टेड के लिए, जो डेल्टा कहते हैं ना सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना है L डिवाइडेड बाई 300, और ये बात हमको पता कहां से चल रही है, ये बात पता चल रही है हमको IS 800 2007। देखिए इतना मैंने क्लोज सब कोट कर दिया है ना DSS में कि अब DSS जीवन भर किसी के लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा, बहुत आसान है ये, क्योंकि ये तो सब कुछ बता ही दिया मैंने खोल के, पेज नंबर 31 में टेबल नंबर 6 में जाकर के देखिएगा, वहां पर ये वैल्यू दी हुई है और उसके जस्ट बाद वाली एक वैल्यू दी हुई है जो कि हम लोग कैंटिलीवर में यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन की लिमिट है वो है एल बाई 300, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू एल बाई 3, एल कितना दिया हुआ है हम लोग को 4 मीटर ना, इसको एमएम में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 300, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 13.13 एमएम, चलिए ठीक है। इस वैल्यू को जरा सा ध्यान में रखते हैं, यहीं पर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके थ्योरी वाले क्लास में मैंने बता दिया था, यू ऑलरेडी नो करके लिख के बताया था टेबल बना करके, ठीक है, कि याद नहीं है तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपने टॉस बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। 5 डिवाइडेड बाई 384 डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइडेड बाई ई आई, ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब इसको रख करके चेक कर लेते हैं, सारे वैल्यूज को उठाइए और पटकिए तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 384 को एक जगह लिखते हैं इनटू, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, 4 है ना, इनटू 40 इनटू 10 टू द पावर 3 इनटू 4 इनटू 10 टू द पावर 3 की होल क्यूब का डिवाइडेड बाई, देखिए जो जो वैल्यूज लिखे हुए हैं ना उन्हीं सब वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस लोड ही डाल करके देख रहे हैं ना, फैक्टर्ड लोड डाल करके नहीं देख रहे हैं, सर्विस लोड डाल करके चेक कर ले रहे हैं, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखिए जरा इसको जब आप चेक करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.82 mm, जो कि कम है, लेस देन है किससे, 13.13 से। इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी मामला क्या है कि ठीक हो गया है, कब, जबकि सर्विस लोड डाल करके हम लोगों ने देखा है। अब देखिए वेट बियरिंग हम लोगों को चेक करना है ना, चेक फॉर वेब बियरिंग ये हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे आईएस 800 2007 से हम लोग चेक करेंगे, क्लॉज नंबर क्या हो जाएगा इसका 8.7.4 में हम लोग जा करके देखेंगे, पेज नंबर 67 में जरा ध्यान से देखिए तो चीजें क्या लिखी हुई है, एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बी वन प्लस एन टू, ये फॉर्मूला वहीं पर दिया हुआ है ना, अपने मन से नहीं ले रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ वाई
डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम नॉट, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए इसमें एन टू क्या है, एन टू जो है वो लिखा जाता है 2.5 टी एफ प्लस आर, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 2.5 टी एफ कितना है हमारे पास 7.3 प्लस, ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। वैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट के थ्रू ही फॉर्मूला बना है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 7.3 प्लस आर, आर मतलब रूट रेडियस है, रूट रेडियस हम लोग 9.5 था, ये जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 42.00 mm आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इसको और आगे बात बढ़ाते हैं, तो हम लोग एक चीज एज्यूम कर लेते हैं यहां पर कि एज्यूम बियरिंग स्टिफनर लेंथ कितना है, B1 है। तो बियरिंग स्टिफनर लेंथ जो है B1, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 75 mm है। अगर बियरिंग स्टिफनर लेंथ जो है वो 75 mm है, तो हम लोग क्या देखेंगे, आप बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ, ये जो चेक है ना वो वेव क्रिपलिंग का है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। 75, ये तो हम लोगों ने माना था 75 प्लस 42, सारे वैल्यूज को ही रख रहा हूं, है ना। 5.4 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.1, अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 14359.90 न्यूटन आएगा। और यहां से जो है हम लोग क्या करेंगे, एफ डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे, किलो न्यूटन के फॉर्म में कर लेते हैं, 143.59 किलो न्यूटन। इसको बस चेक करना है कि ये वैल्यू आपकी ज्यादा आनी चाहिए 30 किलो न्यूटन, यानी 30 क्या है आपका मैक्सिमम शियर फोर्स से, है ना, मैक्सिमम शियर फोर्स से ज्यादा आना चाहिए, आपने जो फाइंड किया है उससे ये ज्यादा आना चाहिए। अगर ये ज्यादा आ जाता है तो क्या है यहां पर, विच इज ऑल राइट, ठीक है। सो यूज्ड, आप क्या यूज कर रहे हैं, ISLB 200 एट द रेट ऑफ 194.2 न्यूटन पर mm, ठीक है, ये आप लोग यूज कर रहे हैं, आप खुद को ले आते जरा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, जहां पर जिस तरह की स्पेसिफिकेशंस यूज करने थे हम लोगों ने यूज करके उसको सॉल्व किए हैं, और जहां पर कुछ हम लोगों को दिमाग लगा करके सॉल्व करना था वहां भी दिमाग लगा के सॉल्व किया हम लोगों ने, जहां पर हम लोगों को डिजाइन लोड लेना था डिजाइन लोड लिया, जहां पर हम लोगों को सर्विस लोड लेना था वो सर्विस लोड भी लेकर के हम लोगों ने चेक कर लिया। इसलिए मिला जुला करके अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, और इसको मुझे नहीं लगता है कि इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होती तो आप एक से दो बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसको पूरा अपने कॉपी में नोट करने के बाद आप क्या कीजिए कि ध्यान से इसको देखिए, इसके सारे स्टेप्स लिखिए, इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी तरह के सवाल आएंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और इस पेंडेमिक में आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।